स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 6 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ द सेल। अब क्वेश्चन नेक्स्ट न्यूक्लियस, शॉर्ट नोट अबाउट द न्यूक्लियस, बट न्यूक्लियस में भी कौन सा, तो कौन सा न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस। ओके, तो इन द सेंटर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल लाइज और राउंड मेन सेल ऑर्गेनेल सराउंडेड बाय अ डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस ऑर्गेनेल इज अ न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस क्या है, तो राउंड शेप में जो डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में जो रहता है उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस टू टाइप्स के स्ट्रक्चर उसके हमको दिए हुए, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स और न्यूक्लियोप्लास्ट। तो डबल मेम्ब्रेन्स एज न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स अराउंड द आउटर साइड ऑफ द न्यूक्लियस, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस किसको बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। इट इज अ स्ट्रक्चर विदाउट मेम्ब्रेन्स, एनवेलप वन और मोर इन नंबर एंड वेरी रिच इन प्रोटीन। ओके, इसमें सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड सराउंडेड द लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, और इसमें इट इज फॉर्म्ड बाय द न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन रीजन लोकेटेड ऑन सम क्रोमोसोम। इसमें इट हैज सेवरल पोर थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। और इसमें इट इज द साइट ऑफ द ओरिजिन ऑफ राइबोसोम्स एंड राइबोसोमल आरएनए। ओके, तो ये बात हो गई किसकी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो देखो दोनों की कंपैरिजन आपको दी हुई है, एक बार पढ़ लेना, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, बस इतना कुछ बताया हुआ है कि इसका आउटर साइड में रहता है, इसमें ये रहता है वो रहता है, बस इसमें कुछ है नहीं समझाने जैसा। स्ट्रक्चर देख लो एक बार आप, ये स्ट्रक्चर आपको जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म यहाँ पर बीच में दिया हुआ है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, ये पोर्स इन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये क्रोमेटिन, ये है न्यूक्लियोलस। ओके, तो ये आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अभी देखो ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ये क्या लिखा है देखो, क्रोमेटिन इज अ कॉइल या तो कॉन्वोल्यूटेड मास ऑफ थिन फिलामेंटस क्रोमोसोम्स। इट इज अ फॉर्म ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड प्रोटीन। दस ईच क्रोमोसोम्स इज फॉर्म्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स, डीएनए एंड प्रोटीन। अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक लेंथ ऑफ द डीएनए इज टर्म एंड जेन। ओके, तो ये डीएनए क्या है, डीएनए से पता चलता है कि कोई भी न्यू चाइल्ड है तो इसपे मिस ये बेबी किसका है, वो अगर किसी को पता नहीं है तो आप डीएनए से पता कर सकते हो। तो डीएनए है क्या, तो डीएनए जो फादर मदर का जो क्रोमोसोम्स होता है वो डीएनए के थ्रू बच्चे में आता है। ओके, फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस, तो क्या क्या फंक्शंस है ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये ऊपर वाला था वो स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर में कुछ समझाने जैसा कुछ था नहीं, ये सब कुछ आपको याद ही रखना पड़ेगा, लेकिन फंक्शंस याद करो समझ के। फंक्शंस, इट इज रेगुलेटेड डिफरेंट एक्टिविटी अकरिंग इन द सेल। तो न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या है कि जो सेल के अंदर जो जो भी एक्टिविटीज होने वाली है डिफरेंट डिफरेंट, उन सबको कंट्रोलिंग करता है या तो रेगुलेट करता है। सेकंड, इट प्लेस अ सेंट्रल रोल इन अ सेलुलर रिप्रोडक्शन। ड्यू टू दिस प्रोसेस ऑफ टू न्यू सेल आर प्रोड्यूस बाय द डिवीजन ऑफ द सिंगल सेल। तो जो सिंगल सेल में से जो दो नए सेल बनते, उसमें लिखा नहीं है लेकिन आपको बता देता हूँ, एक न्यूक्लियस होगा, एक न्यूक्लियस एक सेल में, तो एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बनेगा, तो दो सेल में मिस वो भी न्यूक्लियस भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ओके, थर्ड, द डीएनए मॉलिक्यूल इन द क्रोमोसोम्स पोजेसेस इंफॉर्मेशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स। द हेरिडिटरी कैरेक्टर आर ट्रांसमिटेड इन द सबसिक्वेंट जनरेशन थ्रू दैम, एग्जाम्पल फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। बताया ना अभी कि ये इसी के कारण डीएनए के थ्रू न्यू जो बॉर्न बेबी होता है, न्यू चाइल्ड, उसमें पेरेंट्स के जो प्रॉपर्टीज या तो कैरेक्टरिस्टिक जाती है। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म, द पार्ट ऑफ द सेल ऑफ एनवेलप बाय द सराउंडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स एंड सीन बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म किस किस के बीच में रहता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो पार्ट रहता है सेल का, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और वो साइटोप्लाज्म किसके सराउंडिंग रहता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। ओके, साइटोप्लाज्म में दो पार्ट है, एक है एंडोप्लाज्म, दूसरा है एक्टोप्लाज्म। तो ये है
ग्रेन्युलर मास ऑफ फ्लूइड लाइंग ऑन द इनर साइड इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्मा के अंदर जो रहता है उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मा। और एक्टोप्लाज्मा में ट्रांसपेरेंट थिकट साइटोप्लाज्मल लाइंग ऑन द आउटर पेरिफेरल साइड। तो आउटर पेरिफेरल साइड में जो भी रहता है उसको बोलते हैं हम एक्टोप्लाज्मा। उसको क्या बोलते हैं? एक्टोप्लाज्मा। कॉन्स्टिट्यूएंट, तो किस किस से बना हुआ रहता है ये? तो स्टोर मटेरियल, तो उसमें स्टार्च, ग्लूकोज एंड लिपिड रहता है। प्रोटीन फाइबर में ट्यूबुलिन, एक्टिन, केराटिन फाइबर्स, और ये क्या है? हेल्पफुल इन मेंटेनिंग शेप ऑफ द सेल। ओके, फिर उन इनसॉल्युबल वेस्ट सब्सटेंस भी रहते हैं और सेल ऑर्गेनेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन वो भी रहते हैं। फिर न्यूक्लियस, मिटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, रिबोसोम्स, लाइसोसोम्स एटसेट्रा आर ऑल सेल ऑर्गेनेल्स। दिस ऑर्गेनेल्स परफॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ एटीपी एटमोस्फियर, ओके, एंड सेक्रेट सर्टेन सेक्रेट्स। ओके ओके, तो ये बात हो गई किसकी? साइटोप्लाज्मा की। तो साइटोप्लाज्मा में दो किन किन के बीच में? तो प्लाज्मा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, फिर एंडोप्लाज्मा एक्टोप्लाज्मा की बात की, फिर उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की, और फिर ये लास्ट टॉपिक। ओके, तो ये बात हो गई किसकी? साइटोप्लाज्मा।